सो गाइस अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप सब? आई होप यू फाइन। तो आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज ऑल अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। सो आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज ऑल अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। सो व्हाट इज नेफ्रॉन एंड ये कहाँ पर प्रेजेंट है? हाउ डज इट अकर्स इन आवर बॉडीज? ये हमारी बॉडीज के अंदर कहाँ पर प्रेजेंट है उसकी सारी हम डिटेल को डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक मजे की बात बताती हूँ। इसका जो लेक्चर है हमें मैम ने एक वीक पहले दिया था, एक वीक नहीं इससे थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, दो वीक या तीन वीक कह लो। तो मेरी एक दोस्त थी, उसे जो है स्ट्रक्चर ऑफ किडनी बिल्कुल भी समझ नहीं आता था, बिकॉज उसने कभी ट्राई किया ही नहीं था कि मैं जो है स्ट्रक्चर ऑफ किडनी को स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन सॉरी इसको समझ सकूंगी। वो ट्राई करती ही नहीं थी, बहुत लेजी थी वो मेरी जो फ्रेंड थी। एक दिन मेरे पास बैठी हुई थी और मुझे कहती है मुझे स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन समझाओ, ये है क्या? मैंने कहा तुमने कभी ट्राई किया है स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन क्या है, कभी समझा है, कभी रीड आउट किया है बुक से? वो कहती है नहीं। मैंने कहा फिर तुम्हें आएगा कैसे? जब तक तुम रीड आउट नहीं करोगी या तुम उसको समझोगी नहीं तो तुम्हें नहीं आएगा। तो चलिए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो फिर मैंने उसे समझाया था, मैंने कहा था कि तुम जब तक फोकस नहीं करोगी अपनी स्टडी के ऊपर, जब तक तुम इसे गौर से नहीं समझोगी कि इस टॉपिक के अंदर हमें एक्चुअली में बात क्या बता रहे हैं। अब जो बुक्स के राइटर होते हैं उन्होंने जो चीज़ें लिखी हुई होती हैं वो हमें कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन देने के लिए लिखी हुई होती हैं। अब जिस तरह से स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन है, इसका जो राइटर होगा वो भी तो हमें कुछ इन्फॉर्मेशन ही दे रहा है। तो ये सिंपल से कंसेप्ट है, इनको आपने किस तरह से समझना है, फोकस करके समझना है अपनी स्टडी के ऊपर। तो चलिए हम स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन को डिस्कस करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन बेसिकली जो है फंक्शनल यूनिट है किसका? किडनी का। फर्स्ट पॉइंट तो हमारा ये हो गया कि जो नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन इज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। किडनी का क्या है? फंक्शनल यूनिट है। ओके, यहाँ तक बात क्लियर है? किडनी का क्या है? फंक्शनल यूनिट है। और जो नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन से मिलकर मिलियन ट्रिलियन नेफ्रॉन से मिलकर क्या बनी है? हमारी किडनी बनी हुई है। ये हमारी किडनी बनी हुई है किन से मिलकर बनी हुई है? नेफ्रॉन से मिलकर बनी हुई है। और अगर हम बात करें जिस तरह से हमने अपने ब्रेन की बात की थी कि जो हमारे ब्रेन है किससे मिला हुआ है, मिलकर बना हुआ है, न्यूरॉन से मिलकर बना हुआ है। तो इसी तरह से हमारी जो किडनी है वो किससे मिलकर बनी हुई है? नेफ्रॉन से मिलकर बनी हुई है। इज दैट क्लियर? यहाँ तक आपको बात समझ आ गई? नेक्स्ट अगर हम बात करें नेफ्रॉन की, तो नेफ्रॉन की हमारे पास इसके दो मेजर कंपोनेंट्स होते हैं। ये जो हमारे पास नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन्स के हमारे पास दो मेजर कंपोनेंट होते हैं। जो फर्स्ट है, फर्स्ट वाले को हम कहते हैं रीनल कॉर्टेक्स। जो फर्स्ट वाला है उसे हम कहते हैं रीनल कॉर्पसल और थोड़ी सी स्पेलिंग देख लेते हैं। सही है। नेक्स्ट जो था वो कौन सा है? रीनल कॉर्पसल है और एक रीनल ट्यूब्यूल है। ओके, यहां तक बात क्लियर है? ये हमारे पास नेफ्रॉन के टू मेजर कंपोनेंट्स है। अब इसके अंदर क्या है और इसके अंदर क्या है? रीनल कॉर्पसल के अंदर और जो है रीनल ट्यूब्यूल्स के अंदर हमारे पास बेसिकली है क्या, इसके अंदर हम किस चीज को पढ़ती है? तो जो रीनल कॉर्पसल है ये हमारे पास नेफ्रॉन का फर्स्ट पार्ट है। और ये किस किस चीज पे कंसिस्ट करता है वो हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। तो जो रीनल कॉर्पसल है, इट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन एंड इज कंपोज्ड ऑफ ग्लोमेरुलस एंड बोवेन कैप्सूल। अगर हम इसकी डायग्राम को यहाँ पर ड्रा करें तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम किसको डिस्कस करेंगे? रीनल कॉर्पसल को, और उसके बाद हम रीनल ट्यूब्यूल को डिस्कस करेंगे। तो जो हमारे पास इस तरह से नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर होती है, इस तरह से कुछ होती है इसकी स्ट्रक्चर। यहाँ पे आगे क्या होती है? कलेक्टिंग डक्ट्स होती है। यहाँ पर क्या होती है?
ये कलेक्टिंग डेब्ट्स है, इज दैट क्लियर गाइस? ये क्या है? कलेक्टिंग डेब्ट्स है। ये क्या है? ये हमारे पास, इसको हम डॉक कर देते हैं जरा सा। ये हमारे पास स्ट्रक्चर हाफ नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर है। सो ये हमारे पास क्या है? फर्स्ट जो पार्ट है, ये कौन सा पार्ट है? ये हमारे पास यहां तक क्या है, यहां तक जो पार्ट है इसको हम नाम देते हैं रीनल कॉर्पसल का। ओके, इज दैट क्लियर? नेक्स्ट मैंने उसे क्या कहा कि जो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी जो फ्रेंड थी उसको मैंने किस तरह से समझाया? मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल एक डायग्राम बनाई, इस तरह से ही बनाई, कुछ अच्छी नहीं थी, बट फिर भी हमने कहा कि इट्स ओके, हम इसको चला लेंगे, इस डायग्राम से हम इस टॉपिक को समझ लेंगे। उसके बाद मैंने कॉपी पे इस तरह की डायग्राम बनाई। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने उसे कहा कि यहाँ तक का जो पोर्शन है इसको हम क्या कहते हैं, रीनल कॉर्पसल कहते हैं। अब उसने कहा कि रीनल कॉर्पसल के अंदर मैम तो हमें ग्लोमेरुलस एंड बोवेन कैप्सूल भी बता रही थी। मैंने कहा ऑफ कोर्स बता रही थी, मैं बताती हूँ दो मिनट। फिर मैंने उसे कहा कि यहाँ से एक क्या आती है हमारे पास, आर्टरी आती है, और वो आके यहाँ पर क्या हो जाती है, आर्टरी आर्टरियोल्स में डिवाइड होती है, और जो आर्टरियोल्स है वो किस में डिवाइड हो जाती है, वो आगे से कैपिलरीज में डिवाइड हो जाती है। इज दैट क्लियर? ये हमारे पास, मैंने उसे कहा था ये क्या है, ये आर्टरी है, ये आगे से किस में डिवाइड हुई, आर्टरियोल्स में। अब मैंने उसे कहा कि ये जो कैपिलरीज है इनको हम नाम क्या देते हैं। मैंने उसे सिंपल सा कहा कि ये जो कैपिलरीज है, ये जो कैपिलरीज का नेटवर्क है, ये इसे हम क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलस। ओके, इसको हम ग्लोमेरुलस का नाम देते हैं। और ये जो हमारे पास, ये कप शेप्ड है, ये नहीं, सॉरी, यहाँ तक ये जो हमारे पास कप शेप इस तरह से स्ट्रक्चर बनी हुई है, इस तरह से, आई थिंक इस तरह से है, इस तरह से ये जो स्ट्रक्चर बनी हुई है, इसको मैंने उसे नाम बताया कि ये जो कप शेप स्ट्रक्चर है इसे हम क्या कहते हैं, कप शेप स्ट्रक्चर को हम कहते हैं बोवेन कैप्सूल। ओके, यहाँ इसे हम क्या कहते हैं, बोवेन कैप्सूल। सो नेक्स्ट उसने कहा कि ये जो, ये तो इजी है, डायग्राम से तो इजी है। अब सो ये मैंने कहा उसे, ये बोवेन कैप्सूल है, ये कप शेप स्ट्रक्चर, और ये क्या है, ये ग्लोमेरुलस है। तो इसमें हमने क्या डिस्कस किया, हमने फर्स्ट पार्ट को इसके अंदर डिस्कस कर लिया। स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन में तो हम जो है शॉर्ट शॉर्ट मतलब चीजें डिस्कस करते हैं, उसके बाद जो फॉर्मेशन ऑफ यूरिन है उसके अंदर हम इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर में मैंने इस डायग्राम में ने उसे सिर्फ नाम सिखाए थे कि नाम किस तरह से होती है। तो यहाँ तक तो हमारा ये जो रीनल कॉर्पसल है ये कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट उसने कहा कि ये क्या चीज है हमारे पास, ये ट्यूब लाइक, ये क्या है? मैंने कहा ये रीनल ट्यूब्यूल्स है। ये यहाँ से हमारा नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट हो जाता है जिसे हम क्या कहते हैं, वो क्या है, रीनल ट्यूब्यूल है। ओके, मैंने उसे बताया कि नेक्स्ट पार्ट हमारा यहाँ से आगे स्टार्ट हो जाता है और उसे हम कहते हैं क्या है, रीनल ट्यूब्यूल। अब फिर उसने मुझसे पूछा कि इसके अंदर भी तो हमें मैम ने कुछ पार्ट्स पढ़ाए थे। मैंने कहा ऑफ कोर्स पढ़ाए थे। अब वो पार्ट कौन कौन से थे, इसको हम क्या कहते हैं, प्रोक्सीमल कन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल, कन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल। फिर नेक्स्ट मैं उसने कहा था ये क्या है, ये भी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। इसे मैंने उसे बताया था कि इसका नाम है लूप ऑफ हेनले। ओके, फिर मैंने उसे बताया था कि ये जो नेक्स्ट है इसका नाम है डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल। ओके, यहां तक मैंने उसे बताया थे इसके नेम, और ये आगे उसे मैंने बताया था कि ये कलेक्टिंग डक्ट्स है जिसके आगे फिर रीनल बैलेंस स्टार्ट हो जाता है, और जिसके थ्रू हमारा जो यूरिन है यहाँ से फिल्टर होके सारा यहाँ से कलेक्टिंग डक्ट से इंटर होके
होता होता कहाँ से हमारी बॉडी के अंदर से रिमूव हो जाता है। तो ये मैंने जस्ट उसको नेम सिखाए थे और आपको भी मैं इस वीडियो में जस्ट स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन के नेम सिखाऊंगी। नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, यूरिन की फॉर्मेशन किस तरह से होती है। चलिए इसको हम दोबारा से रिवाइज कर लेती है।